हेलो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखेंगे क्लास सिक्स मैथमेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर नोविंग अवर नंबर्स। इसमें हम पहले एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। ये पहला जो एक्सरसाइज है ये पूरा आपका प्रीवियस जो भी सीखे है ना उसके बारे में रिलेटेड है। तो यहाँ पर इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम दिया गया है और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम का एक चार्ट मैंने लिया हूँ। तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम इसके मदद लेके सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये है इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम और ये है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, है ना। तो चलिए एक एक करके एक एक क्वेश्चन हम देखते जाएंगे। पहला क्वेश्चन है 1 लाख इज इक्वल्स टू -10,000। तो 1 लाख बनाने के लिए हमें कितने 10,000 की ज़रूरत पड़ता है, तो कितने 10,000 मिलकर 1 लाख होता है। देखेंगे 10,000 में कितने जीरोज हैं, 1, 2, 3, 4, 4 जीरोज है। कितने जीरोज है, 4 जीरोज है। तो इसे और एक जीरो बढ़ाए तो हमें 1 लाख मिल जाएगा, है ना। और एक जीरो बढ़ाए तो यहाँ पर हमें 1 लाख मिल जाएगा, 1 लाख हो जाता है। तो 1 लाख बनाने के लिए हमें ये 10,000 को किससे इंटू करना पड़ेगा, 10 से इंटू करना पड़ेगा। किससे इंटू करना पड़ेगा, 10 से इंटू करना पड़ेगा। जब हम 10 से इंटू कर देते हैं तो ये 10,000 जो है 1 लाख हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर है 10,000 विल बिकम 1 लाख। तो अभी सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, 1 मिलियन इज इक्वल्स टू -100,000। 1 मिलियन होने के लिए कितने 100,000 चाहिए। तो हमारे पास ये 100,000, जो 100,000 है इंडियन सिस्टम में नहीं आता है। तो 100,000 किस में आता है, इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। और मिलियन जो भी है वो भी इंटरनेशनल सिस्टम में आता है। तो चलिए पहले मैं 100,000 लिखूँगा, दैट इज 1, 0, 0, 0, 0, 0, ये हो गया हमारा 100,000। 1 मिलियन होने के लिए अभी कितना जीरो चाहिए हमें, और एक जीरो चाहिए। तो और एक जीरो चाहिए का मतलब होता है हमें इसको 10 से इंटू करें तो और एक जीरो बढ़ जाएगा, है ना। 10 से इंटू करें तो और एक जीरो बढ़ जाएगा। तो 100,000 को मिलियन बनाने के लिए 10 से इंटू करना पड़ता है। इसका मतलब 1 मिलियन में 100,000 रहते हैं। कितने 100,000 रहते हैं, 100,000 रहते हैं। तो 1 मिलियन इज इक्वल्स टू 100,000। नेक्स्ट, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू 10 लाख। 10 लाख, 1 करोड़ एंड करोड़ इन इंडियन सिस्टम एंड 10 लाख आल्सो इज इन इंडियन सिस्टम। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख रहते हैं, 1 करोड़ में कितने 10 लाख रहते हैं। तो 10 लाख मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, 10 लाख, है ना। तो कितने जीरोज रहते हैं, 10 लाख में 6 जीरोज रहते हैं। तो इसे 1 करोड़ बनाने के लिए करोड़ में 7 जीरो रहते हैं, तो इसको इंटू 10 करना पड़ेगा, है ना। तो जब इंटू 10 करेंगे 1 जीरो बढ़ जाएगा। तो इसको भी हम 10 से इंटू करें तो 10 लाख को 10 से इंटू करें तो 1 करोड़ होता है। इसका मतलब है 10 times of 10 lakh इज इक्वल्स टू 1 करोड़। 10 times of 10 lakh इज इक्वल्स टू 1 करोड़। इट इज ऑल्सो 10। नाउ दिस वन, कम टू दिस वन, डी, 1 करोड़ इज इक्वल्स टू -1,000,000। 1 करोड़ इज द इंडियन सिस्टम एंड मिलियन इज इन इंटरनेशनल सिस्टम। तो 1 करोड़ में कितने मिलियंस है, देखो यहाँ डायरेक्टली हम टेबल की मदद से हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, है ना। डायरेक्ट देख के हम बता सकते हैं 1 करोड़ में कितना मिलियंस है। 10 मिलियंस हो गए तो 1 करोड़ होता है, और 10 मिलियन 1 करोड़ हुए तो 10 मिलियन होता है। तो ये 1 करोड़ इज नथिंग बट 10 मिलियंस। तो इसका आंसर है 10 मिलियंस। 10
मिलियंस. ओके नाउ इन 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश लैक. 1 मिलियन इज इक्वल्स टू डैश लैक. यहाँ पर लैक्स हैं, यहाँ पर मिलियन है. हाउ मेनी लैक्स टुगेदर इट बिकम्स 1 मिलियन. सी हियर 10 लैक्स इट विल बिकम 1 मिलियन. 1 मिलियन मीन्स 10 लैक्स. 1 मिलियन मीन्स 10 लैक्स. 1 मिलियन मीन्स 10 लैक. 10 लाख इज नथिंग बट 1 मिलियन. सो तो इसका भी आंसर है 10. इसका भी आंसर होता है 10. तो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स के लिए आप हमारे नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं. तब तक के लिए सब्सक्राइब करके नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप पा सकते हो.